फ्रेंड्स, मैं आकाश ब्लॉग पैटर्न से। अभी जो हम आपको दिखा रहे हैं ये 3-5 मॉडल है, और जब हम ये है रूट्स टाइप्स एयर ब्लोअर। ये ब्लोअर्स इफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट्स, सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट्स एंड वेस्ट वाटर में यूज होता है, जो कि इरेशन पर्पज़ के लिए होता है, कि बैक्टीरिया को लाइव जिंदा रखने के लिए होता है। और इसको जब हम इंस्टॉल करते हैं तो कुछ सेटिंग का हमें ध्यान रखना होता है। तो उस टाइम सेटिंग के टाइम में कोई कुछ प्रॉब्लम आती है, जो एरर आते हैं, जिनको हम दूर करना होता है। और सबसे पहले जो है कि उसमें NRV प्रेशर गेज, रिलीफ फोर और बेल्ट अलाइनमेंट, बेल्ट टेंशन, जो कि ये हमारे सामने मेजर प्रॉब्लम में आती है, जिसको हमने स्टेप बाय स्टेप इंस्टॉलेशन के टाइम यूज करना है कि कैसे हम इन चीज़ों से बचें। आइए इसको डिटेल में समझते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम बताएंगे कि NRV को कैसे सेट करते हैं। NRV को हमने, अगर NRV प्रॉपर तरीके से सेट नहीं होती तो हमारे ब्लोअर पे प्रॉब्लम क्या आती है। सबसे पहले हमारे ब्लोअर पे प्रॉब्लम आती है प्रेशर गेज पे प्रेशर इंक्रीज हो जाना। प्रेशर गेज पे इंक्रीज होना, अगर हमारा ब्लोअर 0.4 पे रिकमेंड है और 0.4 तक चल रहा है, तो इट्स मीन्स हमारा ब्लोअर ओके चल रहा है और हमारी NRV भी प्रॉपर तरीके से सेट है। अगर हमारा प्रेशर 0.4 से अबो जा रहा है, इट्स मीन्स कि हमारा NRV प्रॉपर तरीके से सेट नहीं है। प्रॉपर इसको देखने के लिए, इसको अच्छे से चेक करने के लिए इसका क्या फॉर्मूला होता है कि हमें ये हैंडल दिख रहा है, हमें इस हैंडल को चेक करना होता है। अभी हम मूवमेंट करके दिखाएंगे कि अभी NRV प्रॉपर तरीके से ओपन नहीं हो रहा। अभी इसका क्या तरीका होता है, अगर इसको प्रॉपर तरीके से चेक करना है तो इसको सेट करने का तरीका ये रहता है कि अब हम इसको ऊपर नीचे साइड में शिफ्ट करेंगे तो फिर इसको अभी मूवमेंट देखो, अभी इसको रोटेट करते हैं तो आपको दिखेगा कि अब प्रॉपर देखो खुलने लग गया, खुलने लग रहा है ना, ओपन हो रहा है। इट्स मीन्स अब NRV प्रॉपर तरीके से सेट हो गया। फिर हम इसको ओपन हो रहा है, उसके अब बाद में हम पोल्टो को टाइट कर देंगे। ये हमारा प्रोसेस रहता है NRV सेट करने का। ये फर्स्ट प्रॉब्लम है जिसका सोल्यूशन मैंने अभी आपको बताया। अभी आप देखेंगे अभी बिल्कुल ओपन होने लग रहा है, इट्स मीन्स NRV प्रॉपर तरीके से सेट है। रोटेशन हमारे इसी डायरेक्शन में होने चाहिए, जिसके लिए हमने यहाँ पे एक स्टिकर दिया हुआ है, तो स्टिकर के अकॉर्डिंग ही आपने रोटेशन करना है मोटर का। अगर हमारे RPM रोटेशन ओके है और NRV का फ्लैप ओपन हो रहा है, इट्स मीन्स हमारी NRV भी प्रॉपर तरीके से सेट है और रोटेशन भी ओके है। अब मैं आपको प्रेशर गेज सेट करने की जानकारी दूंगा, जिसका फंक्शन क्या होता है कि ब्लोअर के प्रेशर को इंडिकेट करना। ब्लोअर के प्रेशर को इंडिकेट कैसे होगा, अगर हमारे ब्लोअर के रोटेशंस अगर ओके हैं तो हमारे प्रेशर गेज पे शो करेगा प्रेशर, ओके। और प्रेशर अगर हमारे नेम प्लेट पे जो रिक्वायर्ड है, अगर 0.4 पे रिक्वायर्ड है तो हमारा प्रेशर 0.4 पे होना चाहिए। अगर हमारा ब्लोअर पे प्रेशर 0.4 से अबो है, इट्स मीन्स आपके ब्लोअर पे प्रेशर है, जो कि दो प्रॉब्लम से होता है, या तो आपकी NRV अच्छे से प्रॉपर से सेट ना हो, जो कि मैंने आपको पहले वीडियो में आपको रेफरेंस दिया था कि कैसे सेट करना है, या दूसरा फिर आपका क्या है कि आपकी पाइपलाइन आगे की, अगर आपकी पाइपलाइन भी आगे से चोक होगी तो प्रेशर 0.4 से अबो दिखाएगा। तो 0.4 से अबो नहीं होना चाहिए। और प्रेशर को एक्चुअल में चेक करने का तरीका क्या होता है, हर प्रेशर गेज पे एक रबड़ होती है ब्लैक कलर की, ये आप देख सकते हैं, इसको आप ओपन निकालेंगे, निकालने के बाद में जो भी प्रेशर शो होगा वो एक्चुअल प्रेशर होगा। ये हमारा प्रेशर गेज का चेक करने का तरीका होता है कि फ्लोर पे प्रेशर क्या है। प्रेशर को कंट्रोल करना, प्रेशर रिलीफ वाल, अभी आप देख सकते हैं ये प्रेशर रिलीफ वाल है। और प्रेशर रिलीफ वाल का काम क्या होता है, अगर हमारा ब्लोअर रन कर रहा है और उस पर, और 0.4 पे रन करना चाहिए जो कि ब्लोअर रिकमेंड है, और अगर उससे ऊपर जाता है प्रेशर 0.4 से अबो, मतलब 0.5, 0.6, तो इट्स मींस आपको प्रेशर सेट करने की ज़रूरत है। ये आपकी NRV है, और NRV को आप, अगर आपकी प्रॉपर NRV सेट है, इट्स मींस आपको प्रेशर रिलीफ वाल से सेट करने की ज़रूरत है। अगर हमारा ब्लोअर 0.4 पे चलना चाहिए और 0.4 से अबो चल रहा है, लाइक 6 और 8, इट्स मीन्स आपको प्रेशर रिलीफ वॉल से सेट करने की ज़रूरत है, जिससे अगर आप इसको एंटी क्लॉकवाइज घुमाएंगे तो इट्स मीन्स प्रेशर रिलीफ होगा, कम होगा। अगर आप क्लॉकवाइज घुमाएंगे इसको तो इट्स मीन्स आपको प्रेशर बढ़ेगा।
तो वो आपको देखना है कि आपको बलून कितने प्रेशर पे चलाना है, 0.4 पे। तो 0.4 पे जहाँ पे भी सेट हो जाएगा वहाँ पे सेट करने के बाद में आपको इसको नट, आपको दिख रहा है ये नट, सेट होने के बाद नट को टाइट कर देना है, आपको स्पैनर से टाइट कर देना है। ये है रिलीफ वाल्व का काम।